अरुणाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द हाई पावर समिति की बैठक का आयोजन किया जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश के लाखों शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। महासंघ ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों को इस हाई पावर कमेटी की बैठक में शामिल किया जाए। हमारे कुछ बहुत सी मांगे तो पूरी भी होगी, तो कुछ बड़ी जो मांगे दो तीन रहती हैं उन विषयों को आज हमने रखने का प्रयास किया। जैसे एसएमसी का मुद्दा काफी समय से लंबित है, हमने बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आपने पैट पैरा पीटीए जो लगभग 11-12 हजार संख्या थी, इनको तो नियमित कर दिए, थोड़े से छोटी सी संख्या 2000 की रही है, इनको तर्क संगत नीति बना के अपने अधीन सरकार ले, ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरा कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा है, लगभग 25 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं और लगभग वही 8 और 12 हजार के बीच में तनख्वाह है, हालांकि वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी इनकी बढ़ाई है, परंतु फिर भी ये शोषण है, क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा जब ये लगे थे तो भाई ये छोटा परिवार था, जिन परिवार बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब 12 हजार गुजारन, तो विभाग इन्हें तर्क संगत नीति बनाकर अपने अधीन ले ऐसा। और एक एलटी और शास्त्री ऐसी सरकार ने केवल घोषणा भी की विभिन्न मंचों से, इनको तुरंत जो है पीजीटी का दर्जा जो है इनका बहाल किया जाए और अपना जो लेक्चरर न्यू, ये न्यू शब्द हटा के लेक्चर ही होने चाहिए, तो न्यू शब्द को जल्दी हटा के लेक्चर का पद जो बहाल किया जाए, और 2010 से पहले जो लोग जो पीजीटी अपॉइंट है उनके ऊपर ये ऑप्शन की बाध्यता ना हो, वो खत्म की जाए, कोर्ट का अगर कोई ऐसा है तो वो 2010 के बाद जो नियुक्त हुए उनके ऊपर वो बाध्यता लगाई जाए ऐसा। और डीपी में दो तरह का ग्रेड पे दिया जाता है, एक आपका 54 सा है, एक 5 हजार का है, तो वो असमानता न रखे, दोनों सभी डीपी को एक समान वेतनमान एक समान ग्रेड पे 54 सौ का दिया जाए। और वोकेशन जो आपके ट्रेनर है, डाटा ऑपरेटर है या डायरेक्टर में अकाउंटेंट्स लगे 9-9 हजार के ऊपर लगे हैं, इनको भी तर्क संगत नीति बना के विभाग इनका उचित प्रबंध करे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इनमें से ये तो सारी मेरी घोषणा है, हम जल्दी द्वारा बैठ के, और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा तो उसी दिन कि जो आपने हाई पावर कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग बुला के इनके जितने मुद्दे हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करें, उन्होंने आश्वासन दिया, कल परसों द्वारा हमारे एक छोटे ग्रुप की बैठक इनके साथ होने वाली है।